हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद एदीमन। यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है साइंस आर्ट्स या कॉमर्स में और आप लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। सैलरी यहां पर बहुत अच्छी है, 30,000 आप लोगों को यहां पर मिलेंगे। सभी राज्यों से यहां पर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एप्लीकेशन फीस रखी गई है मात्र 100 रुपये रखी है SC ST और PWBD के लिए। बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए 300 रुपये फीस यहाँ रहने वाली है। जहाँ सैलरी 30,000 है तो एप्लीकेशन फीस अधिक नहीं है। उम्र की अगर हम बात करें एज की, तो एज 21 से 35 तक रहने वाली है। और एज रिलैक्सेशन जो कैटेगरी वाइज मिल रहा है वो हम कंप्लीट नोटिफिकेशन में चेक करेंगे। सारी चीजें हम अच्छे से जानेंगे तब जो है वो आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो एडवर्टीजमेंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से है, जो कि पोस्ट ऑफिस की ही जो है वो ब्रांच समझिए। करियर सेक्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ क्लिक करना है आप लोगों को। इसी पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, और कंप्लीट नोटिफिकेशन भी आपको यहीं पर जानने को मिलेगा। तो चलिए हम ओपन कर लेते हैं, सारी चीजें समझ लेते हैं। पोस्ट का जो नाम है वह है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। क्या काम करना होगा ये भी नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 132 है, एज 21 से 35 है। अनरिजर्व कैटेगरी की 56 है यहाँ वैकेंसी, EWS की 13 है, OBC की 35 है, SC की 19 है और ST की 9 है। तो जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जॉब सर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर एलिजिबल हैं आप लोग, और अगर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ जरूर फॉर्म फिल करें। यहाँ लिखा है कि होरिजोंटल रिजर्वेशन रहेगा उन एप्लीकेबल स्टूडेंट के लिए जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज है और मिनिमम 40% डिसेबिलिटी है या इससे अधिक है, तो उनके लिए ओरिजेंटल रिजर्वेशन यहाँ रहने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर कहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो 132 है तो ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं यहाँ पर बैंक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेट वाइज जो है यहाँ पर वैकेंसी है, यहाँ पर जो सर्कल दिए गए हैं असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और उत्तराखंड, ठीक है। स्टूडेंट एक कह रही थी उत्तराखंड की अगर वैकेंसी आए तो बताइएगा, तो यहाँ पर जो है वो आप देख लें ये स्टेट हैं और किस सर्कल में जो है आप लोगों को जॉब मिलेगी। नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, सबसे अधिक जो है यहाँ पर असम मैं जो है, असम सर्कल जो है यहाँ पर जो है वैकेंसी है। इसके अलावा 27 छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल प्रदेश में 12 हैं, जम्मू कश्मीर में जो है वो 7 हैं, लद्दाख में 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 10 हैं, ठीक है। इस तरीके से 132 जो है यहाँ पर वैकेंसी है। यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो आप देखिए, मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव जो है इसकी जो है वो पोस्ट है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर कहा गया है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, किसी से भी जो है वो आप लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो। यहाँ लिखा है कि अगर आपके पास जो है यहाँ काम करने का जो एक्सपीरियंस है, काम किस तरीके का रहेगा, तो आप ये समझिए कि यहाँ पर सेल्स ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो है वुड बी प्रेफर्ड, ठीक है। तो इसका जो है वो काम रहेगा, ठीक है, जैसे कि मार्केटिंग समझिए आप, सेल्स का काम समझिए। यहाँ पर लिखा है कि आप लोगों को जो है वो मंथली एक जो है वो टारगेट दिया जाएगा जिसको आपको कंप्लीट करना है। बैंक के द्वारा जो है आप लोगों को टारगेट दिया जाएगा मंथली, और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना होगा, ठीक है। तो ये जो है इसका काम रहने वाला है। उसके बाद जो है पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल का तो होगा मिनिमम, एंड दिस मे बी रिव्यूड, इसको जो है रिव्यूड यानी आगे जो है बढ़ा दिया जाएगा फॉर एक्सटेंशन ऑन ईयर टू ईयर, ठीक है। हर साल जो है वो बढ़ाते हुए जाएंगे ये, और 2 सालों तक जो है वो आगे और भी बढ़ा देंगे। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 3 ईयर, ठीक है। तो आप 3 सालों तक जो वो 30,000 रुपये जो है वो पेमेंट, इसके अलावा साथ में जो इतना बड़ा एक्सपीरियंस जो है बैंक में काम करने का वो आपको मिलेगा, ये एक्सपीरियंस आपका जो लाइफ टाइम जो है वो काम आएगा, ठीक है। तो 30,000 सैलरी के साथ जो है वो आप लोग एक्सपीरियंस जो गेन करेंगे, उसके बाद जो वैकेंसी आउट होती हैं बैंक की होती हैं या क्लर्क की होती हैं, तो वहां पर आप लोग अगर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जो है सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, आप लोगों को जो है वहां पर लिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा या फिर उन्होंने कहा है कि ग्रुप डिस्कशन होगा या पर्सनल इंटरव्यू होगा, जैसे जो है इनके अकॉर्डिंग जो काम होगा ये लोग करेंगे, ठीक है। इन तीनों में से एक भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बताऊं तो मैंने आप लोगों को थंबनेल में ही बता दिया था, 100 रुपये जो है वो SC ST PWD के लिए लगेंगे यहाँ पर। ऑल अदर कैटेगरी जो है इनके 300 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी देती हूँ ताकि आप लोग जो है वो अप्लाई अच्छे से कर सको, और
8 पेजेस की पीडीएफ फाइल है, और इसका जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग पहले इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को मैंने बताया, सबसे पहले जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो मेन साइट है इस पर आपको आना है। करियर सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है, ये पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर आप देखेंगे करंट ओपनिंग, यहीं पर है रिक्रूटमेंट ऑफ 132 एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस न्यू, ठीक है। यहां पर आप लोग क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन, तो यहां पर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। डिटेल गाइडलाइन जो है और भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं यहां पर पढ़िए, और अगर एडवर्टीजमेंट आपको देखनी है डिटेल में तो आप यहां पर पढ़िए। इससे पहले भी देखिए कई वैकेंसी आ चुकी है, जून में आई है, ठीक है, मई में आई है, मार्च में आई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कई वैकेंसी आई है, और भी अगर कोई वैकेंसी आती है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, ताकि आप लोगों की जो है वो जल्द से जल्द जॉब लगे, अच्छे से जो है वो अर्न कर सकें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।